आज ये हमारे नेपाल से कौन भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरव बहादुर। भैरव बहादुर है, और ये आज ना एक लेके आया सामान। ये क्या चीज़ है? शिलाजीत है बाबू जी। ये शिलाजीत है? शिलाजीत किस तरह से होती है, क्या है? शिलाजीत है बाबू जी, पत्थर का पसीना होता है, पत्थर से निकला हुआ होता है। ये इसका खाने में बहुत चीज में फायदा है, देखो। जैसे पत्थरों के अंदर से निकलता है, जैसे आदमी का पसीना निकलता है उसी तरीके से पत्थरों में से निकलता है। अब उसका दिखाओ जरा किस तरह से ओरिजिनल है, क्या है? पहचान होता है बाबू जी खींचने में ना बाबू जी, आप सोचोगे तार कुली साला रबर ये सोचोगे, ये खींचने में बिल्कुल बाल से भी बारीक रेसा बनेगा, चलते रहेगा, टूटेगा नहीं। जितना मर्जी खींचोगे उतना बारीक रेसा बन के रहेगा, बाल से भी बारीक रेसा बनेगा, तब टूट जाएगा इसके अंदर। इसका पहचान है ये बाबू जी, ये देखो, आप सोचोगे देखने में तो आपको तार कुली जैसी लगेगी, ये इसका पहचान है ओरिजिनल शिलाजीत। जितना मर्जी खींचोगे उतना मर्जी खींचते जाएगा, लेकिन बीच में भूरे कलर का आएगा, ठीक है? और इतना मुलायम, आप सोचोगे साला तार को ले साला रबर ही सोचोगे, ये नहीं है, प्योर कच्चा शिलाजीत है। ये देखो बाल से भी बारीक रेसा बन रहा है, और देखो ये सोचो आप तार को ले साला रबर ही सोचोगे, ये पत्थर का पसीना है। जो पत्थर टूटता है ना सर जी, जो पत्थर निकलता है उसी तरीके से टूट जाता है। देखो इसके मंदर मारोगे ना, जो पत्थर टूटता है उसके पत्थर जैसी टूटेगी और पत्थर जैसी आवाज आएगी, दो टकरेंगे तो अब इसी में जुटा हुआ टूटा हुआ हड्डी को ज्वाइन करेगी, जहाँ से टूटी है वहीं से ये जुट जाएगी। पहचान है ये, पानी के अंदर में डालोगे तार बन जाती है ये चीज है शिलाजीत। और बाकी हिंग दिखाना चाहोगे, दिखाओगे क्या चीज़? ये बाबू जी हिंग दिया हिंग, इसको बोलते हैं हिंग। देखो खुशबू लेने में आपको पता चल जाएगा, ये देखने में पूरा मुलायम एकदम बिल्कुल बनेगी। ये देखने में आपको सोचोगे ये भाई क्या चीज है, आटा मैदा है सोचोगे, ये दाल सब्जी में तड़का लगाने में काम आ जाती। दुकान ये है, चलते फिरते सामान, ये क्या काम आता है भाई शिलाजीत, बता लो। इसका फायदा बहुत चीज में है बाबू जी, जैसे एक चीज से लेके नीचे पैर के नाखून तक लेके सिर का बाल तक का काम करता है ये शिलाजीत है। जैसे आप सोचोगे अब क्या चीज है, क्या चीज में किस चीज में काम आओगे सोचोगे, ये नहीं है, पैर उठे शिलाजीत का फायदा बहुत होता है। जैसे हड्डी में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, पुराना चोट हो, गुम चोट हो, पत्थर पीलिया खून साफ, शुगर के लिए ये धनुबाण है। शुगर के लिए कोई अंग्रेज दवाई खाने का जरूरत नहीं पड़ता है, जितना मीठा खाओ कोई बात नहीं। मतलब MBBS भी फेल है तुम्हारे सामने? अरे बाबू जी MBBS तो पढ़े लिखे है, उन लोग तो पढ़ने की बात होता है, ये तो प्राकृतिक चीज है बाबू जी, कोई किसी चीज से बनी नहीं जाती बाबू जी, अपने घर में फैक्ट्री थोड़ी है, ये नेपाल की चीजें बाबू जी। तो आप कैसे गए नेपाल से लेके आए, कैसे निकाल के लेते बाबू जी? चलो आप अपना थोड़ा डॉक्यूमेंट दिखाओ चलो पहले। नेपाल से है, आप देख सकते हो ये है पहचान पत्र है ना, ये है अपना, इनका लाइसेंस है, ये लाइसेंस है, ये पहचान पत्र है, ये इनकी सुंदर सी तस्वीर है और मजबूत से दिखाई दे रहे हैं ये अपने। ये सब शिलाजीत का फायदा है, शिलाजीत का फायदा है। रोटी रोटी नहीं खाते मेरे ख्याल से? रोटी रोटी क्यों खाना? अच्छा खाता है, रोटी रोटी खाने पड़ते हैं। और दिखाओ उधर चलती फिरती दुकान भी दिखाओ आप। अब देखो बाबू जी अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, जो चीज काम है। ये तो शिलाजीत है बाबू जी, ठीक है, हींग दिखाई, उन्होंने हींग दिखाई है, पहाड़ी धनिया है, पहाड़ी धनिया सब चीज में काम करेगी, पहाड़ी धनिया। दोस्तों ये जो चीजें है प्रकृति रूप से बहुत ही मुक्का गंदा पानी वायुवादी गैस्ट्रिक के लिए काम आएगी, ये वाकई में सब्जी में चटनी में हर कोई चीज में काम। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, साथ साथ में अच्छा एक्चुअली का है, ऐसे बंदों से सामान भी लेना चाहिए। और मैं एक लोगों से अनुरोध करूंगा कि सामान लो, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। देखो आप देख सकते हो ये नेचुरल इम्पैक्ट डालती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। और दोस्तों मैं तो इनका इसलिए आपको शेयर किया है कि ये इस तरह से जो भी चलती फिरकी मार्केटिंग करते हैं उसमें विश्वास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बारी कोई गलत हो सकता है। देखो ये घरों पर यूज़ करने वाले हैं लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ ये देखो क्या चीज सर आपने, ये पहाड़ी धनिया बोलते हैं, पहाड़ी धनिया है, रामकली मसाला। हाँ और ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पहले मसाले ही हमारे यूज होते थे जो आजकल हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित है, लेकिन नेपाल से लोग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लोग इसको खरीदें।